सब्सक्राइब ना एंड प्रेस द बेल आई केवर मिस हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल इंडिया स्प्रीट डिस्कशन का एस टी नंबर थर्टी फोर ठीक है देखो मैंने कई बार आप लोगों को बोला है कि आप लोग स्पीड टेस्ट देते हो लेकिन उसका एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आप एनालिसिस नहीं करते हो आपने जो क्वेश्चंस छोड़े हैं या स्किप कर दिए हैं या सॉल्व नहीं हो पाए आपसे आप जाके सॉल्यूशन में देखते हो आपको नहीं समझ में आता यू जस्ट लीव इट आपको छोड़ना नहीं है आपको सीखना है समझना है तो हम सीधे आ, सही तरीके से और सबसे सटीक तरीके से आप लोगों के साथ हर हफ्ते लेकर के आए हैं ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन जो कि आपके पूरे इंडिया में जितनी भी एस होती है जिस भी पार्ट में तो

तो आप सभी लोग जानते हैं कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है तो यहाँ पे कुछ टीचर से रिलेटेड ही आपको पैसेज भी देखने को मिला है ठीक है तो यहां पे देखते हैं कि यहां पे आपका क्या चीज कही गई है बोला गया है स्कूल टीचर्स अक्रॉस द कंट्री में गेट रिलीफ

डेवलपमेंट है ना तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टीचर्स के लिए जो नई पॉलिसी बनी है है ना जो नई पॉलिसी बनी है उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपका कि जो न्यू पॉलिसी है उसको किस तरीके से दे इट है हाँ मतलब कंट्रोल कैसे करी गई है है ना स्टेड का मतलब क्या होता है कंट्रोल इजी मिनिस्ट्री इज लर्न टू है फाइनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो एन ईपी है उसमें एंड ड्राफ्ट टू एड्रेस

इलेक्शन पीरियड जो इस ड्राफ्ट में जो बातें कही गई हैं उसमें सिर्फ इलेक्शन वर्क इंक्लूडेड होगा ना कि नॉन इलेक्शन मतलब होता है टीचर्स ड्यूटी मतलब ये कहा जाएगा ये बताया जाएगा कि इलेक्शन ड्यूटी है क्या एंड यूज इन्वॉल्व इन दी एक्चुअल वोटिंग प्रोसेस और कैसे एक्चुअल वोटिंग प्रोसेस में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं सो टीचर शुड बी नॉट बी इंगेज इन वर्क दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू टीचिंग मतलब <coughs> टीचर इस काम में डायरेक्टली जो टीचिंग के अलावा अगर कोई काम होगा तो उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होंगे एक्सेप्ट और खास करके बस उसमें जो रेयर इवेंट्स होते हैं दैट डू नॉट इंटरफेयर देयर वर्क जो उनके वर्क को जो एक्चुअल टीचिंग है

उट एंड एक्टिविटी में होता क्या है डोर टू डोर सर्विस करनी पड़ती है जाना पड़ता है इन सम स्कूल स्पेशली दो जिन खास करके जो रूरल एरिया में है जो एक कुकिंग मिड डे मील होती है टू फॉल्स ऑन दीचर वो भी टीचर के ऊपर ही उसका भार आ जाता है सो गवर्नमेंट स्कूल जितने भी हैं अक्रॉस द कंट्री मिड हैंडे मील स्टूडेंट्स मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो कहीं ना कहीं मिड डे मील्स सभी स्टूडेंट्स को देते हैं सिग्निफिकेंटली अगर देखा जाए तो ड्राफ्ट अलाउज द टीचर्स टू पिच इन ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम लेकिन टीचर्स को तब ये बात बोली जाती है जब इलेक्शन टाइम होता है उनको फोर्स किया जाता है पिच किया जाता है इस काम को करने के लिए द कमिटी

लार्ज पोर्शन ऑफ द टाइम ऑन नॉन टीचिंग एक्टिविटीज टीचर्स को टीचिंग से ज्यादा नॉन टीचिंग एक्टिविटीज में अपना ज्यादा से ज्यादा समय देना पड़ता है जैसे कि मिड डे मील हो गई मिड डे मील प्रिपरेशन इलेक्शनिंग

उसको एनहांस करना होगा और बढ़ाना होगा स्कूल टीचर्स में सून गेट रिलीफ फ्रॉम टास्क और स्कूल टीचर्स को इन सभी टास्क से क्या मिलेगा रिलीफ मिलेगा अकॉर्डिंग टू दी हिंदुस्तान टाइम्स लास्ट वीक लास्ट वीक में जो हिंदुस्तान टाइम में ये रिपोर्ट आई लास्टली ये बोला गया जो एचआरडी मिनिस्ट्री है उसमें उसने रिपोर्ट में ये भी ऐड किया दैट विल मोस्ट प्रोबेबली इंक्लूड दिस प्रोविजन इन द और इस प्रोविजन को वो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है यानी एनईपी जो है उसमें इंक्लूड किया जाएगा विच इज इन दी वर्क जो काम में है.

बदल रहा है समय के साथ टीचर्स नीड कॉन्स्टेंट अपडेटिंग टीचर्स को हर टाइम अपडेट रहने की जरूरत है टीचर्स नीड टू बी इन्वॉल्व लर्निंग लर्निंग से उनको अवेयर होना पड़ेगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड पेरेंटिंग कम्युनिटी से भी उनको अपडेट होने की जरूरत है सो दे हैव टू टू लुक एट द एस्पेक्ट्स रिलेटेड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स इंश्योर लर्निंग इज जॉयफुल और टीचर को अपने तरीकों से यानी कि लर्निंग उनको ये बताना है कि इट्स बोरिंग नहीं है बिल्कुल सब तरीकों को अपनाना चाहिए एंड एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए सो दिस इज लॉट ऑफ वर्क एंड इंक्रीजिंगली साइंटिफिक कहीं ना कहीं अब जब ये सब चीजें इनकल्केट करनी होगी टीचर को अपने आप को अपडेट करने के लिए समय भी तो चाहिए तो जितने भी आ, अदर टास्क है उनसे उनको अलग हटना पड़ेगा विद so, टास्क विच कैन नॉट बी डन इजिली बाई अदर्स जो अदर्स दूसरों के द्वारा इजिल नहीं किया जा सकते वो टीचर से कैसे आप कराने की संभवता रखते हो तो यहाँ पे टीचर्स के फेवर में बात कही गई है अगर पैसेज में देखा तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है अकॉर्डिंग देखा जाए तो सभी पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट है खास करके एक पॉइंट को छोड़ के तो वो एक पॉइंट कौन सा है जो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है तो देखते हैं इट कुडन सुनर वेन टीचर्स वुड ओनली टीच रैंडम टास्क तो ये चीज तो बोली गई है कि वो अलग टास्क में नहीं इन्वॉल्व होंगे स्टूडेंट मस्ट बी थॉट ऑफ यानी कि टीचर्स को और ज्यादा टेक्नोलॉजिकल होना पड़ेगा अपडेटेड होना पड़ेगा बच्चे की मेंटल हेल्थ को समझते हुए उनको गाइड करना होगा तो ये बात तो लास्ट पैराग्राफ में लिखी हुई है द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री नई पॉलिसी जो है एचआरडी मिनिस्ट्री ने उसमें कई सारे तो ये बात भी कही गई है इन द न्यू एजुकेशन इम्प्लिसिटली से तो ये एकदम इम्प्लिस कहा गया है कि टीचिंग को किस चीज की जरूरत है स्पेशलाइजेशन की देखो स्पेशलाइजेशन की जरूरत तो तब होगी ना जब वो आपके आ, किसी और काम में इन्वॉल्व ना हो

क्लियर बाय द न्यू एजुकेशन पॉलिसी न्यू एजुकेशन यानी कि एनईपी के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो एकदम क्लियरली बताए गए हैं नथिंग इज रॉन्ग इन टीचर्स डूइंग सेवरल जॉब्स प्रोवाइडेड टू देम जो उनको जॉब दी जा रही है वो उसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है कुछ भी गलत नहीं है कुछ ऐसा ठीक है तो ये तो गलत है भाई ये तो पहले ही बोल दिया गया कि भाई जितने भी ऐसा थोड़ी ना टीचिंग के अलावा वो सारे जॉब करेंगे तो ये तो रॉन्ग हो गया टीचिंग रिक्वायर्स एंड इन्वॉल्व डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक नॉलेज एक्जैक्टली कि उनको क्या होना चाहिए अपडेटेड होना चाहिए टेक्नोलॉजी के नई टेक्नोलॉजीज को देखना चाहिए ठीक अ हैज बीन डीफ ऑफ टीचर्स मतलब कान बंद कर लिए गए अनसुना कर दिया गया है जो टीचर्स के अधिकार हैं तो इसके बारे में भी कोई फैक्ट नहीं बताया गया एब्सोल्युटली क्लियरली नहीं बोला गया है तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सिर्फ एक बी ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में क्लियरली बात हुई है तो आंसर हम मार्क करेंगे ओनली बी पॉइंट विच बीन एब्सुलूटली क्लियर बाय दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर एज पर योर रीडिंग ऑफ द पैसेज पैसेज जो आपने अभी पढ़ा वो रीजंस आपको मेंशन करने हैं दैट बिहाइंड लैक इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो एजुकेशन में कहीं ना कहीं एजुकेशन की क्वालिटी में लैकनेस का काम कर रहे हैं जिसमें कमी आ रही है एजुकेशन में वो क्या है तो द पॉलिसी फॉर्मुलेटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ टीचर्स टीचर टू बी फ्रूटफुल फ्रूटफुल मतलब जो टीचर्स के लिए पॉलिसी बनाई गई है वो फ्रूटफुल साबित नहीं हुई है हाँ ना तो ये लैकनेस का तो ये काम है नहीं इसलिए कि एजुकेशन में क्वालिटी गिर गई हो ये तो रॉन्ग हो गया द टीचर्स आर बींग कम्पेयर टू डू अम नंबर ऑफ टास्क अलॉन्ग विद टीचिंग ऑब्वियस सी बात है ये भी लैकनेस का नहीं कि लैकनेस जो एजुकेशन क्वालिटी में जो लैकनेस आई है क्या वो इसकी वजह से आई है क्या वो इसकी वजह से आई है तो अगर ये देखा जाए तो इसके बारे में भी कुछ क्लियरली नहीं बोला गया है ज प्रोवाइडेड टू द टीर्स आर नॉट अपू दर्क ऑब्वियसली जो फैसिलिटीज टीचर्स को दी जा रही है मार्क तो एज पर रीडिंग ऑफ रीजन है बिहाइंड लैकनेस इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एजुकेशन की क्वालिटी में कमी तभी आ रही है जो इम्युनिटीज है वो प्रॉपर वे में नहीं दी जा रही है तो मार्क करेंगे अपना आंसर ऑप्शन नंबर थ्री एज द करेक्ट आंसर ठीक है अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन फॉर विच ऑफ दी वर्क कामों के लिए काम नहीं करेंगी कौन से कामों के लिए बोला गया है तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वॉन्टिंग टू वॉन्टिंग टू डू द वर्क ऑफ अपडेटिंग द लिस्ट ऑफ वोटर्स तो ये तो उनसे करवाया जा रहा है अदर टास्क में उनसे तो करवाया जा रहा है परफॉर्मिंग दोलिंग बूथ ये भी है ठीक है ये स्पेसिफर कि ये टीचर नहीं करेंगे बींग स्कूल फॉर द चिल्ड्रेन स्कूल ये काम भी परफॉर्म करने के लिए उनको मना किया गया क्योंकि वोटिंग तो रेयर केसेस में अगर है तो लिस्ट ऑफ वोटर्स की तो वो अपडेट करेंगे ही करेंगे तो यहाँ पे बी और सी जो है वो क्लियरली मैंशन है तो आंसर मार्क कर देंगे बोथ बी सी दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री न लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पैसेजेस विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स

अपडेटिंग एंड अपग्रेडिंग टॉपिक्स लुक मतलब जो अपडेटिंग वो, वो लिस्ट है या अपग्रेड करना तो उसके बारे में अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या ये बात बोली गई है तो नहीं इसरो ने ये तो नहीं बोला है अनएक्सपेक्टेड तो वर्क को वो करती रहे तो ये भी नहीं बोला गया तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रीवियस चेयरमैन ने इस तरीके से इसको बोला है मतलब बोला नहीं गया मतलब ये फैक्ट्स पे ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है तो अगर हम आंसर देखें तो ए और सी हमारे यहाँ पे दोनों ही करेक्टली बोले गए हैं बी को छोड़ करके बाय द प्रीवियस चेयरमैन ऑफ दी इसरो क्लियर एवरीबडी पैसे जीजी था क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं ठीक है चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या करना है आपको अब आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं दो सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसको दो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो आपको ये या तो उनमें से कोई फ्री फ्रॉम एरर्स है है ना तो आपको इधर ऑफ देम कोई एक ऐसा पार्ट है जो जिसमें एरर नहीं है और एक पार्ट है जिसमें एरर होगी तो आपको क्या ढूंढना है आपको वो पार्ट ढूंढना है जिसमें क्या है जो पार्ट इनकरेक्ट है मतलब जिसमें एरर है लेकिन अगर देखा जाएगा दोनों सेंटेंसेस में दोनों ही पार्ट में कोई एरर नहीं है तब आप क्या करेंगे मार्क तब आप अपना आंसर मार्क करेंगे दैट बोथ आर करेक्ट ठीक है तो चलो पहला क्वेश्चन ये रहा अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर्स वेन वर्कर्स आर अनेबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट That make use of 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 their qualification and success. second poverty also contributes in the the downfall of economic stature of the country. first so, तो sentence बेरोजगारी जब वर्कर्स जो है उनको एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार नहीं मिलता है दैट मेक यूज ऑफ their क्वालिफिकेशन अब एक बात बताओ अगर हम देखें यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट का एम्प्लॉयमेंट क्या है एक तरीके से अगर ये देखे तो ये सिंगुलर है तो अगर आपका ये सब्जेक्ट सिंगुलर है टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट दैट तो क्या ये वर्ब जो है आपकी ये सिंगुलर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए तो ये रॉन्ग हो गई तो यहां पे क्या होना चाहिए था मेक्स होना चाहिए था यानी कि वी नीड अ वर्ब दैट वुड बी सिंगुलर यस यानी तो बी पार्ट में अगर हो गई तो फर्स्ट का तो बी पार्ट हो गया तो अगर हम यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो टू और थ्री में दिख रहा है हमें अब सेकंड देखते हैं परसिस्टेंट पॉवर्टी जो लिखा हुआ है परसिस्टेंट पॉवर्टी आल्सो कंट्रीब्यूट्स इन द डाउनफॉल ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेचर ऑफ द कंट्री तो अगर हम देखें यहाँ पे तो आल्सो कंट्रीब्यूट्स इन द डाउनफॉल होगा या टू द डाउनफॉल होगा बताइए या कॉन्ट्रीब्यूट होगा कॉन्ट्रीब्यूट इन दी डाउनफॉल कॉन्ट्रीब्यूट के साथ जो करेक्ट आपका प्रिपोजिशन लगता है दैट टू दी डाउनफॉल होगा होगा जो करेक्ट के साथ वो आपका लगता है टू यानी कि सेकेंड के सेंटेंस में ए पार्ट में एरर है तो यहाँ पे तो बी है तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का बी पार्ट और सेकेंड का ए पार्ट जिसमें एरर है ठीक है यानी कि इसमें ए पार्ट में एरर है और इसमें बी पार्ट में एरर है तो हमारा आंसर क्या हो गया आपको समझ में आ गया ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देखो बहुत लोग ऐसे एजुकेशन अफोर्ड uh, कर लेते हैं जो एक ऐसी पोजिशन पे होते हैं जो एक ऐसी जॉब के लिए uh, वेट करते हैं जिनमें उनकी रिक्वायरमेंट्स एटलीस्ट क्या हो जाए फुलफिल हो जाए तो ऑल्दो के साथ अगर देखोगे तो ऑल्दो के साथ Although के साथ अगर पेयर देखें एज अ कंजंक्शन पेयर तो ऑल्दो के साथ क्या आता है येट आता है। तो although many can afford education, दे tend टू बी यहां पे दे क्या रॉन्ग नहीं है क्या यहां पे दे रॉन्ग नहीं है बिल्कुल क्योंकि although के साथ जो करेक्ट पेयर आता है एज अ कंजंक्शन तो वो क्या आएगा येट आएगा ना कि दे आएगा तो ये तो यही पेयर पता चल गई अब अगर हम नेक्स्ट में देखें द सडन रिसन इज इज ड्यू टू दी डेक्लाइन ऑफ द नंबर ऑफ पीपल तो डेक्लाइन नंबर ऑफ पीपल में कमी आ गई ना लोगों में कमी आ गई ऑफ द पीपल क्या होगा बिक अब यहां पर अगर देखोगे तो डेक्लाइन के साथ जो प्रपोजिशन आएगा वो ऑफ नहीं आएगा डेक्लाइन इन दंबर ऑफ द पीपल जो डेक्लाइन हुआ है किसमें हुआ है इन द नंबर ऑफ पीपल बाइंग फोर व्हीलर्स एक जो recession, recession आया कि फोर व्हीलर कम से कम अब लोग खरीद इन होगा तो, तो, हो तो यानी फर्स्ट का भी ए है और सेकेंड का भी ए है तो वो तो हमें यहीं पे दिया हुआ है तो मार्क कर देंगे अपना आंसर ऑप्शन नंबर वन क्योंकि इन्हीं पार्ट में एरर है अब देखते हैं इसमें क्या एर है एड्रेसिंग दी अंडर एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस एंटेल्स आर थ्री प्रॉन्स स्ट्रेटेजी सेकेंड वी मस्ट इम्प्रूव द्वालिटी ऑफ जॉब्स

प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी और एंटरप्राइज की प्रोडक्टिव को प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करके तो ये भी बिल्कुल एरर नहीं है एरर फ्री है तो आंसर हम क्या मार्क कर देंगे जब दोनों में ही कोई एरर नहीं तो आंसर हमारा बहुत आर करेक्ट हो जाएगा क्लियर समझ में आया चलो नेक्स्ट देखो द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अब यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं मस्ट इंश्योर डेट देर इज इक्विटी अमंग द रिच एंड द पुअर देखो यही से गलती पता चल गई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दो लोगों की बात कर रहा है है ना रिच एंड पुअर कितने लोगों की बात कर रहा है दो लोगों की और यहां पे क्या यूज किया है अमंग क्योंकि अमंग हम किसके लिए यूज करते हैं आप सभी को पता है फॉर मोर देन टू दो लोगों के लिए और दो लोगों के लिए हम क्या यूज करते हैं बिटवीन बिटवीन फॉर टू पीपल और टू थिंग्स तो यहाँ पे अमंग ना आकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा बिटवीन हो जाएगा तो यानी फर्स्ट के तो बी में अगर है तो सेकेंड और थर्ड में ही मिल रहा है फर्स्ट का भी ठीक सेकेंड में देखते हैं ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स व्यूटली शॉकड येट दे सॉ हिम इन दईसी बात बताओ सभी उसके फ्रेंड शॉक हो गए येट मतलब क्या होता है जो काम अभी भी आगे चल के होना है एक कंट्रास्ट देता है जबकि यहां पे क्या हमें एक जरूरत है हमें यह बताना है एक रीजन कि जब एक पॉइंट ऑफ टाइम बताता है रिप्रेजेंट करता है यानी कि जब वेन दे सो हेम एन दूस जब उन्होंने अपने फ्रेंड को यूज उसे आईसीयू में देखा उसके सारे फ्रेंड्स क्या होगा देवर एब्सुलटली शॉक तो यहाँ पे सेकंड का क्या हो गया बी तो ये तो यहाँ से रिजेक्ट हो गया बचा क्या ये तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू दैट इज फर्स्ट का बी और सेकंड का भी बी दोनों में ही बी पार्ट में ही क्या हुई एरर हो गई ठीक है इजी एरर था चलो नेक्स्ट इंडिया इंडियंस रिलाय इंडियंस जो है किस पे डिपेंड करते हैं रिलाय मतलब डिपेंड होना एट देयर जॉब्स टू अर्न अ लिविंग टू फुलफिल फैमिली ऑब्लिगेशन एंड टू सेटिस्फाई द एस्पायरेशन दैट मोटिवेट देम डेली जो उनको मोटिवेट करते हैं ठीक है रिलाय किसके लिए लेता है बताओ आप किसी चीज पे जब डिपेंड करते हो तो डिपेंड अपॉन होता है या तो डिपेंड ऑन होता है रिलाय ऐट क्या होता है रिलाय क्या होता है तो यहाँ पे तो रिलाय तो यही से गड़बड़ हो गया रिलाय तो यही से गड़बड़ हो गया तो क्योंकि यहाँ पे रिलाय डिपेंड ऑन होगा तो ए पार्ट में अगर आ गई फर्स्ट के फर्स्ट का ए यहाँ दिया है और यहाँ दिया है दे आर श्योरली मोर एप्लीकेशन इन दी पाइपलाइन एंड दीज अर्ली नंबर आर एनेमिक एक बात बताओ श्योरली मोर एप्लीकेशन है ठीक है पाइपलाइन की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है लेकिन अर्ली नंबर जो है उसके वो क्या है एनेमिक है तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोडिक्टिंग नहीं लग रहा है तो कॉन्ट्राडिक्टिंग या कॉन्ट्रास्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं कॉन्ट्राडिक्टिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं हम यूज करते हैं बट का ना कि एंड क्योंकि एंड ऐसा है जो एड करने का काम करता है तो कंट्रास्ट के लिए हम यूज करते हैं बट का तो यहाँ पे किस पे आज आ गई बी पार्ट में तो आंसर हम क्या कर देंगे सेकेंड का बी तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर इसी तरीके से इसमें करेक्ट हो जाएगा समझ में आया चलो भाई नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखें यहाँ पे क्या है आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें फोर वर्ड्स दिए हुए हैं जिसमें से वन और मोर वर्ड्स इज मोस्ट नियरली द सिमिलर और अपोजिट इन मीनिंग मतलब मोस्ट नियरली या तो एंटरनिम होगा या फिर सिननीम होगा आपको वही वर्ड क्या करना है ढूंढना है और अपना आंसर मार्क करना है ठीक है तो वर्ड दिया है आपका ट्रेकरस ये वर्ड आप लोगों ने वो में पढ़ा है मेरे साथ तो ट्रेकरस मतलब क्या होता है रिकर्स मतलब होता है जो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है क्या होता है डेंजरस अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास चार वर्ड्स दिए हुए हैं अब यहाँ पे हजार्डस मतलब भी क्या होता है हार्मफुल डेंजरस है ना बहुत ज्यादा ड्रेडफुल जो होता है है ना और रिलायबल क्या होता है रिलायबल मतलब होता है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो एबल टू बी trusted perilious क्या होता है ये भी डेंजरस को ही बताता है यानी कि हार्मफुल के ही सेंस में आ गया डिट्रिमेंटल बोल सकते हैं इसको डिट्रिमेंटल भी बोल सकते हैं है ना और अगर ग्रिम की बात करें तो ग्रिम मतलब क्या होता है दैट इज द थिंग व्हिच इज वेरी सीरियस तो इसके क्या है सिनोनिम समेत दो दिख रहे हैं तो ऑब्वियसली हम मार्क कर देंगे क्या ए और सी तो आंसर हमारा हो जाएगा बोथ ए एंड सी इसके क्या है तो या का पेयर ही है, एक तरीके से आपको फाइंड आउट करना है ये आप देख रहे नेक्स्ट है in -da, in -da uh, है ना देखो मैं क्या बोल रही इनडेबिटेबिल इसका मतलब क्या होगा -i -i मतलब आप जिसपेबल जैसे होता है ना कि जिसपे बिल्कुल कोई डाउट ना हो है ना जिसपे कोई भी डाउट ना हो तो यानी कि इसको आप बोल सकते हैं दैट इज इम्पॉसिबल टू डाउट मतलब बिल्कुल भी किसी पे आप डाउट ना कर सके तो अगर हम डाउटफुल बोले तो ये तो ये इसका क्या हो गया एंटेनिम डाउटफुल क्या हो गया इसका एंटेनिम हो गया और परसेप्टिबल अगर हम देखें अगर हम परसेप्टिबल देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा बताइए परसेप्टिबल मतलब कोई चीज जो है वो आपकी क्लियर है है ना इम्प्लिसिटली मतलब कोई चीज में नॉट uh, एडजस्टेड है ना वो क्लियर इससे एकदम अलग हो जाएगी इम्प्लीसिट इम्प्लिसिट भी क्या हो जाएगी इससे अलग हो जाएगी जो डायरेक्टली एक्सप्रेस ना की जाए ना ना? हो, है है? और ambiguous का मतलब क्या होता है? ये भी डाउटफुल को ही बताता है ये भी को बताएगा। और डाउटफुलसेप्टिबल जैसे अगर मैंने बोला तो परसेप्टिबल मतलब दैट इज एबल टू बी सीन मतलब जो चीज क्लियर हो तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ए और सी जो इसके करेक्ट क्या है एंटेनिम है तो हमें एंटेनिम इसका बताना था इम्पॉसिबल टू डाउट है ना और डाउटफुल एक दूसरे के हो गए तो आंसर मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड सी क्लियर चलो नेक्स्ट इनसीडियस इनसीडियस का मतलब क्या होता है इनसीडियस मतलब होता है कोई काम आप बहुत स्लोली कर रहे हो बट इन अ वेरी हार्मफुल वे है ना कोई काम आप क्या करते हो प्रोसीड करते हो इन अ ग्रेजुअल वे है ना प्रोसीडिंग इन अजुअल वे विद हार्मफुल इफेक्ट है ना तो यहां पर अब इसका हमें देखना है कमेंडेबल कमेंडेबल मतलब होता है कि किसी चीज पे आप रिस्ट्रिक्शन लगा दो इंपोज अ रेस्ट्रिक्शन और कॉशस मतलब केयरफुल कॉशस मतलब क्या होता है जो केयरफुल टू अवॉइड यू नो कह सकते हैं कि किसी भी तरीके के हार्मफुल चीजों से केयरफुल रहे कॉशस यानी कि केयरफुल हो गया और कर्टेल अगर हम कर्टेल की मीनिंग बात करें तो कर्टेल का मतलब क्या होता है बताइए किसी को पता हो अगर हम कर्टेल बोले तो एक तरीके से आप कह सकते हैं ना कि कर्टेल भी इससे अलग हो गया और अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी क्या होता है कहीं ना कहीं ये कमेंडेबल की तरह ही आपका काम करेगा कि नहीं करेगा नहीं करेगा तो यहाँ पे अगर इसका हम देखें एक प्रोसीड कर रहे हो बहुत ही हार्मफुल वे में तो इसमें अगर आप आंसर देखेंगे तो सिर्फ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो इसकी मीनिंग बताएगा इंसिडियस और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है एक दूसरे के सिनरिम है जो यहाँ पे इसको करेक्टली डिफाइन कर सकते हैं सॉरी uh, कह रही अपोजिट है एक तरीके से क्योंकि यहां पे आप स्लो 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 काम कर रहे हैं और हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं उसके और स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब सीधे जो है वो है सामने है ना तो इसके क्या हो गए अपोजिट हो गया तो आंसर हम क्या मार्क करेंगे ओनली डी डेट इज ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट डिस्पैरिटी डिस्पैरिटी कौन नहीं जानता डिस्पैरिटी तो सभी जानते हैं यानी कि सम काइंड ऑफ डिफरेंस अलग अलग अब ये तो फाइंड आउट करना बहुत इजी है ये तो फाइंड आउट करना बहुत इजी है है कि नहीं तो इम्बैलेंस यही सेम चीज हो गई इनइक्वालिटी यही सेम चीज हो गई अगर हम कॉन्ग्रुएंस बोले तो कॉन्ग्रुएंस तो आप सभी जानते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स यानी कि किसी चीज में हार्मनी यानी कि सामंजस्य बैठाना हार्मनी अग्री अग्रीमेंट आप बोल सकते हो है ना किसी चीज में अग्री करना और डिसवेशन का मतलब क्या होता है अगर डिसन मतलब करें तो यानी कि यू आर ट्राइंग टू परसुएड समवन है ना आप किसी को क्या करने की कोशिश करते हो वेन यू यूज टू परसुएड समवन तो, ये तो यहाँ पे एक से अलग हो गया तो ए और सी इसके क्या हो गए सिनेम्स हो गए कि नहीं हो गए ए और सी इसके क्या हो गए सिनोनिम्स हो गए तो मार्क कर दो आंसर बहुत ए एन सी सबसे इजी था लास्ट क्वेश्चन है इसका ईव्स ड्रॉप ईव्स ड्रॉप क्या होता है ईव्स ड्रॉप मतलब ये होता है कि आप किसी की बातें छुप छुप करके सुनते हो लिसन सीक्रेटली है ना आप किसी की बातें क्या करते हो छुप छुप करके जब सुनते हो है ना और अगर हम बग की बात करें तो ये होता है किसी को परसुएड करना तो ये तो इससे अलग हो गया अगर हम स्नानप देखें तो स्नानप एक तरीके का क्या है फ्रेज है फ्रेज का मतलब एक मिस्टेक या एक मडल एक कंफ्यूजन या मिस्टेक आप कह सकते हो एक तरीके से मडल और यू कैन से इट एज मिस्टेक है ना मर्डल और मिस्टेक मतलब सुनना और अगर हम पेप अप इस का मतलब क्या होता है पेप अप मतलब होता है दैट इज समथिंग मोर एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो ठीक तो अब यहां पे देखो ईव्स ऑफ लिसन सीक्रेटली का क्या यहां पे निकलेगा आंसर बताइए कौन बताएगा अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है persuade किसी की बातें छुप छुप कर सुनना तो ए और सी इसके क्या हो जाएंगे हो जाएंगे तो आंसर मार्क कर देंगे समझ में चलो, next देखो. अब यहाँ पे आपको क्या करना है वो यानी उनकी स्पेलिंग रॉन्ग है तो आपको वही करेक्ट पेयर चूज करना है जिनकी स्पेलिंग क्या है रॉन्ग दी हुई है ठीक है चलो बहुत ईजी है इंटीमीडिएट रिपरक इनकॉन्सिक्वेंशियल या फ्लेवर गैस्टिंग तो अगर हम देखें यहां पर तो इंटीमीडिएट इंटरमीडिएट की क्या स्पेलिंग करेक्ट है, है? बताइए इंटरमीडिएट की स्पेलिंग क्या है एकदम करेक्ट है एकदम करेक्ट है इंटरमीडिएट की स्पेलिंग ठीक है इंटरमीडिएट की स्पेलिंग एकदम आपकी करेक्ट है इंटीमिडिएट करना और रेपर की अगर हम बात करें तो रेपर की स्पेलिंग यहां पे है थोड़ी सी रॉन्ग क्योंकि यहाँ पे पी यू आर नहीं होता है यहां पे होता है आर ई पी ई आर सी यू एस एस आई ओ एन ये होती है रेपर की स्पेलिंग यानी कि बीस की स्पेलिंग रॉन्ग है जिसका मतलब क्या होता है एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इवेंट है ना जो आप नहीं चाहते थे इनकॉन्सिक्वेंशियल ये भी स्पेलिंग एकदम सही है फ्लैबर गैस्टिंग अगर हम फ्लेबर गेस्टिंग की बात करें अगर हम फ्लेबर गेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो इसकी स्पेलिंग भी यहाँ पे थोड़ी सी रॉन्ग है वो है ये बी में यानी कि यहाँ पे डबल बी होता है फ्लेबर गेस्टिंग में ना कि सिंगल बी होता है तो ये होती है इसकी करेक्ट स्पेलिंग फ्लेबर गेस्टिंग फ्लेबर गेस्टिंग का मतलब क्या होता है जो आप किसी को बहुत ज्यादा शॉकिंग कर दे एस्टोनिश कर देते हो है ना बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग हो जाता है एस्टोनिशिंग हो जाता है तो होता है फ्लेबर गेस्टिंग ठीक है तो यानी कि किसकी किसकी किस स्पेलिंग रॉन्ग है बी और डी की तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा जो वर्ड्स हैं जो पेयर है वो है बी और टी करेक्ट नेक्स्ट फोर्टी टू अब यहां पे देखो अब किसकी स्पेलिंग रॉन्ग है कौन बताएगा सबसे पहली वर्ड लिखा हुआ है सरपशियशियस नाउ सरप्टीशियस का मतलब क्या होता है व्हेन यू कीप सीक्रेट ऑफ समथिंग है ना आप किसी चीज का स, आ, सीक्रेट रखते हो तो अब यहां पे देखोगे इसी की स्पेलिंग रॉन्ग क्योंकि यहां पे सिंगल आर है जबकि वी नीड डबल आर ओ वै है ना तो यहां पे डबल आर हो जाएगा सरपटीशियस ठीक है और इसका मतलब क्या होता है किसी चीज को आप केप्ट सीक्रेट अगर हम सेरेनिटी बोले यानी इसकी एक स्पेलिंग रॉन्ग हो गई एक ये पेयर आया सेरेनिटी सेरनिटी क्या है इसकी स्पेलिंग एकदम करेक्ट है इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग काम पीसफुल बहुत ज्यादा काम बहुत ज्यादा पीसफुल आप रहते हैं उसे बोलते हैं हम सेरनिटी अगर हम सेरेंडिपिटस बोले तो सेरेंडिपिटस की भी स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग है है ना थोड़ी सी रॉन्ग है क्योंकि यहां पे टी यू ओ यू एस नहीं होता स का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है दैट इज यू नो एक वेन यू हैव डिस्कवर्ड और दैट अकर्स बाय चांस इन अ हैप्पी वे है ना दैट अकर्स बाय चांस तो इसकी भी स्पेलिंग रॉन्ग है और अगर हम डेमेर देखें तो ये तो करेक्ट है स्पेलिंग डेमेर की स्पेलिंग क्या है एकदम करेक्ट है जो बहुत ज्यादा मॉडेस्ट होते हैं शाई नेचर के होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डेमेर तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिला ए और सी तो आंसर मार्फ कर देंगे बोथ एन सी जो स्पेलिंग्स क्या है रॉन्ग है ओके चलो नेक्स्ट प्रोलॉन्सड प्रोलॉन्स तो सभी को पता होगा प्रोलॉन्स का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा लेंदी होता है है ना इसका क्या होता है जो बहुत ज्यादा लेंदी होता है और ये स्पेलिंग एकदम करेक्ट है पोर्टोबिंग देखो पोर्टो पोर्ट की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है थोड़ी सी रॉन्ग है ये टी ई आर लिख दिया है ये रॉन्ग है स्पेलिंग है ना ये रॉन्ग है तो यहाँ पे पोर्टोब की स्पेलिंग टी यू आर बी आई एन जी नाकी ई होगा पोर्ट का मतलब क्या होता है कंसर्न किसी चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा क्या होते हो कंसर्न होते हो एंजाइटी जब बहुत ज्यादा होने लगती है आपको फिर परसिटी का मतलब क्या होता है अगर हम बोले यहां पे तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी क्योंकि यहाँ पे एक चीज मिस है एक वर्ड मिस है पर्सिकैसिटी होता है यानी कि ई आर एस पी आई सी ए सी आई टी वाई सिटी पर्सपीसिटी का मतलब क्या होता है द क्वालिटी ऑफ है स्मॉल यानी शॉर्ट वर्ड में बोल सकते हो एक वर्ड में दैट इज श्रियनेस राइट और प्रोट्रैक्टेड ये एकदम करेक्ट स्पेलिंग दी हुई है और इसका मतलब होता है दैट इज प्रोलोंग ये प्रोलोंग का ही सिनिम है है ना लेंदी जी टी एच वाई ठीक तो हमें यहाँ पे कौन कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग मिली बी और सी की तो आंसर मार्क कर देंगे both B and C, which are over here, और वोटेड एक्स्ट्रा वर्टेड यानी एक्स्ट्रा जो होते हैं ना एक आउटगोइंग पर्सनालिटी जो होती है, है ना तो ये होती है एक्स्ट्रा वर्टेड वर्ड है अगर एक्स्ट्रा देखोगे तो एक एक्चुअली पार्ट ऑफ स्पीच उसका क्या होता है नाउन लेकिन ईडी फॉर्म यहां पे लगा हुआ है तो ये है आपका वर्ड है ना एक सोशली कॉन्फिडेंट जो पर्सन होता है है ना जो कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट पर्सन सोशली है ना एन आउट गोइंग आप एक तरीके से तो कह सकते हो और इनवाइग्रेशन देखो इनवाइग्रेशन की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है इनवाइग्रेशन की स्पेलिंग यहाँ पे क्या है रॉन्ग है क्योंकि इनवाइग्रेशन की स्पेलिंग यहां पे क्या होती है जी ओ आर ए होती है क्या होती है ए आई एन वी आई जी ओ आर ए टी आई ओ एन ये होती है इनवाइग्रेशन की स्पेलिंग इनवाइग्रेट मतलब द एक्ट ऑफ गिविंग वाइटिलिटी यानी इंपॉर्टेंस गिविंग वाइटिलिटी ठीक है और सेंटेनरी सेंटेनरी तो सभी को पता होगा हंड्रेड एनिवर्सरी किसी चीज की बोलते हैं हंड्रेड एनिवर्सरी सेंचुरी में जो आता है तो ये भी स्पेलिंग आपकी क्या है करेक्ट है सीडेंट्री की क्या स्पेलिंग गलत करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है ये बताओ सीडेंट्री अगर हम देखेंगे तो डी ए एन नहीं होता है डीई एन -E होता है सीडेंट्री ये होती है इसकी करेक्ट स्पेलिंग ठीक है की करेक्ट स्पेलिंग एस ई ई डी एन टी ए आर वाई जिसका मतलब होता है आप बहुत ज्यादा इनएक्टिव होते हो एक तरीके से है ना बहुत ज्यादा इनएक्टिव होते हो तो उसे हम बोल सकते हैं यहां पे तो यहां पे ठीक तो कौन कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग है बी और डी तो आंसर भी मार्क कर देंगे बी एंड डी जिनकी स्पेलिंग क्या है रॉन्ग है ओके चलो नेक्स्ट अनअबैश्ड अब बताओ अनअबैश्ड क्या होता है एकदम करेक्ट स्पेलिंग है जिसका मतलब वेन यू आर नॉट एम्बेरेस्ड है ना आप यू आर नॉट अशेम्ड यू आर नॉट अशेम्ड तुम्हें किसी चीज की कोई शर्म नहीं है या यू आर नॉट एम्बेस्ड ग्रिगरियस की स्पेलिंग तो देखो देखते ही गलत लग रही है यहां से गलत नहीं लग रही है ग्रिगरियस तो ग्रिगैरियस की स्पेलिंग होती है जी आर ई जी ए आर आई ओ यू एस अब करेक्ट हो गए कि नहीं पे यू ओ यूएस लिख दिया था जो कि रॉन्ग है और ग्रिगेरियस का मतलब होता क्या है पर्सन के लिए करते हैं दैट इज वेरी सोशिएबल पर्सन है ना जो बहुत ज्यादा क्या होता है सोशिएबल पर्सन होता है ठीक है उसे हम बोलते हैं अगर हम बोले गैरियाट्रिक है ना तो ग्रिगेरियटिक का मतलब क्या होता है अगर हम बताएं तो क्या ये स्पेलिंग सही है ये एकदम सही स्पेलिंग है ठीक है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एकदम करेक्ट है ठीक कॉन्सपीशियस की स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग है स की स्पेलिंग क्या होती है अगर हम conspicuous की स्पेलिंग देखें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पी आई के बाद सी यू ओ s होता है ना कि C -O u s होता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी यू -U ओ -U s। कॉन्सपीशियस की स्पेलिंग ये होती है ठीक है कॉन्सपीशियस की स्पेलिंग सी यू ओ s होती है और इसका मतलब होता है दैट इज क्लियरली विजिबल कोई चीज जो एकदम साफ साफ आपको दिखाई दे रही है तो आपका आंसर क्या हो गया बी और डी क्योंकि यही स्पेलिंग पेयर जो है वो रॉन्ग है तो आपने आंसर मार्क कर दिया बोथ बी एंड डी क्लियर एवरीबडी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स में है अब आपके फिलर्स और फिलर्स में भी आपके कौन से फिलर्स है डबल फिलर्स यानी कि डबल ब्लैंक के साथ आपको यहां पे फिलर्स मिल रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिल करना और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है टीचर्स इन्वॉल्वमेंट ये देखो पैसे इन अदर एक्टिविटीज द डेवलपमेंट ऑफ हु गो टू स्टेट रन स्कूल टीचर का जो इन्वॉल्वमेंट है अदर एक्टिविटीज में वो कहीं ना कहीं उन चिल्ड्रेन की डेवलपमेंट को रोकता है जो स्टेट रन स्कूल में जाते हैं और वो प्राइवेट स्कूल या बड़े बड़े कोचिंग्स में अपना एक स्थान नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं हैम्पर मतलब क्या होता है हैम्पर का मतलब क्या होता है किसी चीज को हिंडर या ऑब्स्ट यानी कि प्रॉब्लम में आना रेमेडियल का मतलब क्या होता है कि जो आप डिफिकल्टीज हैं है ना उनसे आप जो चीजें सीखते हैं रेमेडी होती है है ना जो लर्निंग डिफिकल्टीज दिफिक, होती हैं अगर हम एक्सटॉल का मीनिंग देखें तो एक्सटॉल का मतलब क्या होता है व्हेन यू प्रेज एंथुसियास्टिकली आप किसी की प्रशंसा करते हैं बहुत ही जोरों शोरों से प्रेज एनजुआसिस्टिकली ठीक है बेसिक यू ऑल डू है ना बेसिक तो सभी लोग जानते हैं एमपीड का भी मतलब सभी को पता होगा ठीक है और यहाँ पे तो पे क्या है टीचर का इन्वॉल्वमेंट अदर एक्टिविटीज में क्या है करता है उन के के बच्चों डेवलपमेंट के को विकास को जो और रेमेडियल कोचिंग है जो उनकी हेल्प करती है तो ऑप्शन नंबर वन यहाँ पे एकदम अप्रोप्रिएटली दोनों ब्लैंक्स में फिल हो जाएगा इजी था चलो नेक्स्ट द यूनियन गवर्नमेंट जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए मस्ट द प्रॉब्लम ऑफ एनवाइ उसको जो बेरोजगारी की समस्या है उसको क्या करना चाहिए पर, परस्यू करना चाहिए परस्यू मतलब कोई चीज आप जैसे ग्रेजुएशन हम परस्यू नहीं करते उसको कर रहे होते हैं वो करना चाहिए बिफोर इट इमरजेस एंड गिव बर्थ टू अदर इश्यूज मतलब ये इससे पहले कि बढ़े वो अदर इश्यूज उसमें बन जाएं अदर इश्यूज को जन्म दे तो इमरजेस तो सही है लेकिन मस्ट परस्यू द प्रॉब्लम प्रॉब्लम को और परस्यू करेंगे तो ये परस्यू तो यहां से रॉन्ग हो जाएगा एट्रीब्यूट अगर हम देखें तो एट्रीब्यूट भी इससे एकदम अलग है है ना बल्कि उनको इसकी प्रॉब्लम के बारे में सोचना चाहिए तो ये भी यहाँ पे एक्सप्लोर मतलब तो होता है विस्फोट कर देना अड्रेस हम कह सकते हैं एड्रेस हम कह सकते हैं है ना असर्टेन मतलब क्या होता है आप किसी चीज को फॉर सर्टेनिटी फाइंड आउट करें फाइंड आउट फॉर सर्टेन है ना फाइंड आउट फॉर सर्टेन किसी चीज को ढूंढना तो ये यहां से हो जाएगा और बिफोर इट डिटीरियो डिटीरियोरेट का मतलब होता है कंडीशन और ज्यादा वर्स हो है ना बिकम वर्स कंडीशन और ज्यादा वर्स हो इससे बेटर है कि उस उन प्रॉब्लम्स को वो क्या करे एड्रेस कर दे तो यहां पे आप देख सकते हैं कि आपका ये आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका थ्री और फोर अगर हम देखेंगे तो एसर्टेन आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम को फाइंड आउट करें और करेंट मतलब क्या होता है मतलब होता है किसी चीज को वर्सन करना एक चीज यहाँ पे गलत हो गई मैंने ये फोर्थ को बोल दिया तो एसर्टेन थोड़ा सा क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड नहीं बैठ रहा था लेकिन सेकंड वर्ड अगर हम देख रहे हैं तो एक्जैक्ट बैठ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग तो सेम मीनिंग ही देगा तो आंसर हमारा हो जाएगा बोथ थ्री एंड फोर जो यहाँ पे फिट हो सकते हैं नेक्स्ट है द क्राइसिस कंफ्रंटिंग द इकोनॉमी इन द प्रेजेंट सिनेरियो इज पॉवर्टी तो पॉवर्टी मतलब अधिकतर जो गरीबी है उसको लेकर के यहाँ पे बात कर रहे हैं जो अधिकतर गरीबी है उसको लेकर के बात कर रहे हैं ठीक है अब यहाँ पे अगर देखें तो सो कॉल्ड क्राइसिस जो इकोनॉमी को कंफ्रंट कर रहे हैं तो वो पर्टिनेंट है है ना अगर हम पर्टिनेंट देखें तो पर्टिनेंट तो इससे एकदम अलग हो जाएगा तो क्या होना चाहिए यहाँ पे सिनेरियो से हम लेते हैं अनडाउटेडली पॉवर्टी अनडाउटेडली मतलब जिसमें कोई दो नहीं है तो अर्जेंट क्राइसिस तो हो नहीं सकती तो यहाँ पे क्या होगा ग्रिटी है ना दैट 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 इज 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 कंटेनिंग और कवर्ड विद ग्रिट या डायर वेरी वेरी हार्मफुल डेंजरस और अर्जेंट है ना तो अर्जेंट तो आप फिर भी कर लोगे एक मिनट एक एक करके देखो देखो हमने कहा कि यहां पर सोकल्ड और पर्टेटली तो ये तो यहीं से एलिमिनेट हो गया तो एक अर्जेंट क्राइसिस जो है वो तो कहीं ना कहीं अनडाउटेडली प्रॉवर्टी को कर सकता है तो ये यहां से तो बैठ रहा है और ग्रिटी ग्रिटी मतलब That contains a grit, vicious क्या होता है जो बहुत ज़्यादा और violent होता है तो यहाँ पे वॉयेंट या cruel से related तो आए नहीं कि किटी है तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि आ सकता है? बिल्कुल आ सकता सकता है, है, बिल्कुल क्योंकि यहाँ पे जो एक अधिकतर गरीबी है वो कहीं ना कहीं दिक्कत दायर तो है ही है और डायर मतलब क्या होता है हार्मफुल और इनडिस्प्यूटेबल गरीबी क्या है डिस्प्यूटेबल नहीं है गरीबी से कई ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं तो ये यह यहाँ पे आपका ये भी हो सकता है लेकिन ये ग्रिटी और विशेष अगर हम देखेंगे तो ये आपका थोड़ा सा गलत हो जाएगा क्योंकि पॉवर्टी क्रूअल नहीं होती है वो कहीं ना कहीं इनडिसबली इस सीनारियो को बिगाड़ती है तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो टू और फोर यहाँ पे करेक्टली फिट हो सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वी मस्ट मेक वी मस्ट मेक इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल हमें किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ह्यूमन कैपिटल में थ्रू एजुकेशन स्किल्स एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग एज वेल एज इन बेसिक सोशल प्रोटेक्शन तो थ्रू कैसी एजुकेशन के साथ लास्टिंग एजुकेशन इंप्रूविंग एजुकेशन गुड क्वालिटी एजुकेशन या बेटर एजुकेशन थ्रू बेटर एजुकेशन हो सकता है लेकिन मेक के साथ यहाँ पे वॉन्टिंग इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा है ना वॉन्टिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा इसलिए यहाँ से एलिमिनेट हो गया और इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट तो कुछ होती ही नहीं है सर्टेन इन्वेस्टमेंट हो सकता था लेकिन यहाँ पे लास्टिंग एजुकेशन हो जाती तो ये ये पार्ट यहाँ पे रॉन्ग हो गया इसलिए ये एलिमिनेट हो गया तो बचा क्या एंड्योरिंग एंड्योरिंग मतलब दैट इज लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग लास्टिंग इन्वेस्टमेंट जो लंबे समय तक चल सके फॉर गुड क्वालिटी एजुकेशन तो आंसर नंबर थ्री यहाँ पे एकदम करेक्टली फिट हो जाएगा पहुंचते हैं लास्ट क्वेश्चन में अपने के अंडर एम्प्लॉयमेंट एज अ टाइप ऑफ जो बेरोजगार है वो कैसे तरीके से काम करता है विच रिजल्ट इंटू अफिकेंट लॉस ऑफ प्रोडक्टिव तो किस चीज का किस प्रोडक्टिव चीज का लॉस होता है प्रोडक्टिव पॉपुलेशन कैपिटल या पोटेंशियल तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम देखें वर्क एज अ टाइप ऑफ सोर्स तो सोर्स तो हो सकता है पोटेंश और अगर हम देखें कैसे कैसेशन का मतलब क्या होता है एक इंस्ट्रूमेंटल कॉम्पोजिशन होता है क्या होता है इंस्ट्रूमेंटल कॉम्पोजिशन तो ये आपका इंस्ट्रूमेंटल कॉम्पोजिशन के बेस में आ जाएगा ठीक है तो ये हो गया ये तो ये तो, तो इससे एकदम बाहर ही हो गया और डिस्करेजमेंट एक टाइप का है अंडर एम्प्लॉयमेंट भाई जब बेरोजगार होगा तो कहीं ना कहीं डिस्करेजमेंट भी होगा तो ये हम कह सकते हैं पे एकदम करेक्टली फिल हो जाएगा और प्रोडक्टिव पोटेंशियल में कहीं कहीं ना एक तरीके का सिग्निफिकेंट लॉस होगा तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड अगर आप देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग एकदम करेक्ट वर्ड आपका जो फिट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट पेयर होगा सो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ हर हफ्ते जुटते रहिए एसटी सॉल्यूशन में जहां आपको हम एकदम सटीक तरीके से सारे एसटी सॉल्यूशन को Better that he kisses some Till then, thank you and have a great day ahead. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.